स्वागत है आपका देवभूमि दर्शन पर। गौरतलब है कि शनिवार सुबह चंपावत जिले में एक भीषण सड़क हादसा हो गया था, जिसमें एक तेज रफ्तार अनियंत्रित कैंटर ने स्कूली छात्र को बुरी तरह से रौंद दिया था, जिसके बाद उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। बता दें कि यह हादसा टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बाराकोट के मल्ला बापरू के पास हुआ था। अब आपको बताते हैं कि यह हादसा किस वक्त घटित हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आज सुबह तकरीबन 8 बजे कक्षा 5 का छात्र 11 वर्षीय हिमांशु सिंह पुत्र हरि सिंह अपनी बड़ी बहन आरती के साथ तिरंगा जागरूकता रैली में शामिल होने के लिए GIC बापरू जा रहा था। बताया जा रहा है कि मल्ला बापरू के समीप हिमांशु जैसे ही सड़क पार करने लगा, उसी समय पिथौरागढ़ की ओर से डांक लेकर आ रहे तेज रफ्तार कैंटर की चपेट में आ गया। कैंटर ने उसे बुरी तरह से कुचल दिया, जिससे घटनास्थल पर ही हिमांशु ने दम तोड़ दिया। बता दें कि घटना से कुछ ही देर पहले बहन सड़क पार कर चुकी थी, जिस कारण वह बाल बाल बच गई। भाई को सड़क में कुचला देख बहन आरती बेसुध हो गई और दहाड़े मारकर रोने लगी। फिर देखते ही देखते आसपास काफी भीड़ इकट्ठा हो गई और घटना की सूचना मिलते ही लोहाघाट पुलिस मौके पर पहुंची और सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बने रहिए पहाड़ से मैदान की हर खबर के लिए देवभूमि दर्शन के साथ।